स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी आ रही है ये आ रही है ऑयल एंड गैस कंपनी की तरफ से। गाइस लेटेस्ट अपडेट है और बहुत अच्छी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कंपनी का नाम है फोकस एनर्जी लिमिटेड, और साथ में आप सभी देख सकते हैं मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं। आपको स्पेशली एनिमेशन देखने के बाद पता ही चल चुका होगा कि एक वीडियो जो है किस कंपनी के बारे में है, ये है ऑयल एंड गैस कंपनी। और ऑयल एंड गैस कंपनी में सभी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लेटेस्ट अपडेट है। सबसे मेन पॉइंट आता है कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं गाइस, यहाँ जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा स्टूडेंट, ओनली ऑन डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है। यहाँ अगर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर ITI कैंडिडेट देख रहे हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो उनके लिए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, ITI वाले स्टूडेंट हैं या फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वालिफिकेशन एंड ब्रांच जरूर मेंशन करें, जिससे कि आने वाली वीडियो उनकी ब्रांच और क्वालिफिकेशन से रिलेवेंट आ पाए। साथ ही गाइस देखिए, जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी। जब भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से कभी मैं आप लोगों को मेंशन कर देती हूँ। और साथ में मैं आपको ये भी बता देती हूँ गाइस, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में ये तो आप लोगों ने जान लिया, ये ऑयल एंड गैस कंपनी है, यहाँ फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कुछ एक्सपीरियंस वाले भी एलिजिबल रहेंगे। गाइस चलिए मैं इसका पूरा नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर। और सबसे मेन पार्ट इस कंपनी के बारे में डेटा दिया गया है, यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये फोकस एनर्जी लिमिटेड है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोजन एंड प्रोडक्शन कंपनी है। गाइस आप लोग इसके बारे में थोड़ा यहाँ से पढ़ लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इस कंपनी के बारे में जानकारी रहेगी, इंटरव्यू वगैरह होता तो आप इसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे। कंपनी की वेबसाइट दी गई है, कंपनी की वेबसाइट से यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और पोजिशन आप लोगों की रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की, इंजीनियर की पोजिशन रहने वाली है। साथ ही गाइस यहाँ जॉब लोकेशन राजस्थान रहने वाला है। सैलरी की बात करें तो सैलरी इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं कह सकते, मतलब सही है। देखिए डिप्लोमा वालों के लिए 12,000 CTC दे रहा है, प्लस आप लोग का फूड रहेगा, फ्री मेडिसिन फैसिलिटी रहेगी और 1 ईयर ज्वाइनिंग रहेगी, 1 ईयर तक 12,000 रहेगी, उसके बाद इंक्रीज कर दी जाएगी। तो ये थोड़ा अच्छा लगा कि परमानेंट रख रहे हैं स्टूडेंट्स को, ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद ही निकाल दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियाँ ऐसा होता है कि उन्होंने ट्रेनिंग मतलब DET करवा दिया और निकाल देती हैं। तो ये थोड़ा कंपनी अच्छी लगी इसमें कि फर्स्ट ईयर जो आप लोग की ट्रेनिंग रहेगी 12,000 में रहेगी, उसके बाद जब सेकंड ईयर आप लोग 1 ईयर की ज्वाइनिंग के बाद आप लोग का 17,000 हो जाएगा, और कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि टेस्ट होगा आप लोग का तब आपको सेकंड ईयर आपको जॉब करने के लिए दिया जाएगा, नहीं, आप अगर एक बार जॉब के लिए लग जाते हैं यहाँ पर तो जब तक चाहें तब तक आप लोग जॉब कर सकते हैं। 12,000 स्टार्टिंग दिया जाएगा, उसके बाद दूसरे साल 17,000 कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर आप लोग की जब 2 ईयर हो जाएगी ज्वाइनिंग, 2 ईयर के बाद 22,000 यहाँ पर आपका CTC कर दिया जाएगा, पर मंथ CTC बताया जा रहा है। डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो डिप्लोमा आप लोगों ने किया है 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, अगर आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये 3 ब्रांच एलिजिबल हैं। गाइस लास्ट टाइम जो है इसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए वैकेंसी आई थी, बट इस बार जो वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है, तो आप लोग अपना मौका गंवाएं नहीं, काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में देखिए एक्सपीरियंस जो है फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसका आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगी। वर्क रोटेशन दिया गया है और आपको यहाँ पर ड्यूटी 12 घंटे का रहेगा। गाइस 12 घंटे इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया, 12 घंटे का रहेगा, 5 मंथ यहाँ पर वर्किंग प्लस 1 मंथ पेड ऑफ ये दे रखा है थोड़ा, ठीक है ये चीज़ अलग है, उसका बाद में यहाँ पर रहेगा, आप लोग कंपनी में जब जॉब करेंगे तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी देखिए क्या क्या दे रखी है, थोड़ा बहुत जैसे जनरल स्पेसिफिक ऑफ फील्ड इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में थोड़ा फील्ड इंस्ट्रूमेंट वगैरह के बारे में पता रहना चाहिए आपको, वैसे वहाँ पर बताया भी जाता है जब आप लोग को फ्रेशर को हायर किया जा रहा है तो। और उसके बाद देखिए लिस्ट वगैरह भी रहता है, वाल्व वगैरह, जैसे वाल्व वगैरह होते हैं उनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, आपकी ब्रांच होगी वाल्व वगैरह के बारे में पढ़ाया गया होगा तो उससे रिलेवेंट, जैसे कौन सा वाल्व है ये क्या है ये सारी चीज़ें
अब देखिए सेलेक्ट एंड साइजिंग ऑफ कंट्रोल बल्ब, क्योंकि गाइज आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आपको इससे रिलेवेंट वर्क रहेगा, और लूप ड्राइंग वगैरह इसकी थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गाइज आप लोग फ्रेशर हो तो ये थोड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप लोग फ्रेशर्स को सिखाया जाता है, ठीक है, बेसिक नॉलेज आप लोग रखना चाहिए, ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। अब अप्लाई किस तरीके से करना होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। अप्लाई करने के मैं दो तरीके बताऊंगी। पहला, आप लोग यहाँ से अप्लाई करना, ये ईमेल आईडी दी गई है, ईमेल आईडी से जाकर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अपना रिज्यूम सेंड करेंगे और प्लस कवर लेटर। और कवर लेटर अगर आप लोग मेरा जो है यूज नहीं करना चाहते तो आप लोग अपना खुद का बना सकते हैं कवर लेटर। कवर लेटर का मतलब होता है अपनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटे से छोटे रूप में जो है मेंशन करना, और वो भी मैसेज रूप में आप लोगों को सेंड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा चीज़, अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग टेलीग्राम पर जाइए गाइज, टेलीग्राम पर आप लोग को यहाँ पर चैनल का नेम दिखेगा, उसके नीचे इस तरीके से थोड़ा यहाँ पर आप लोग मेंशन करेंगे, यहाँ पर पिन किया गया है मैसेज, वो पिन किया गया मैसेज वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा कवर लेटर। दो कवर लेटर है, एक है एक्सपीरियंस वालों का, दूसरा है फ्रेशर वालों का। अगर आप फ्रेशर हैं तो अपने वाला जो है कॉपी करेंगे वहाँ से, और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो एक्सपीरियंस वाला कॉपी करेंगे, उसे एडिट कर लेंगे, नाम की जगह अपना नाम डाल लेंगे। अब चलिए मैं इसका नोटिफिकेशन दिखाती हूँ। देख सकते हैं गाइस, ये आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की, ये आ रही है यहाँ पर जो है लिंक्डइन की तरफ से, काफ़ी अच्छी लेटेस्ट अपडेट है। 10 ओपनिंग्स आ रही है, साथ में सैलरी आप लोग को पैकेज दिया गया है, और गाइस यहाँ पर 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मेन पार्ट ये है गाइस, अगर आपने यहाँ पर देखिए फ्रेशर हैं आप, डिप्लोमा किया है, बट गाइस यहाँ पर जो डिप्लोमा किया है वो अब अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, ये एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की पोस्ट रहेगी, फ्रेशर रिक्वायर्ड रहेंगे, अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग रिक्वायर्ड रह सकते हैं। राजस्थान लोकेशन है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बाकी देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर CTC वगैरह दिया गया है, और आपको देखिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ईमेल आईडी वगैरह, ठीक है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अब की स्किल में कुछ नहीं दिया गया, यहाँ पर कोई की स्किल नहीं मांगा गया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का आप लोग आना चाहिए, थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेवेंट जो भी बाल वगैरह होते हैं ये यहाँ पर दिया गया। देखिए यहाँ पर दिया गया आप लोग जॉब रोल के बारे में, देखिए इससे रिलेवेंट थोड़ी सी चीज़ें आपको आनी चाहिए। दूसरा तरीका देखिए अप्लाई करने का, यहाँ से अप्लाई करना, इस लिंक से जाके दोनों तरीके से अप्लाई कर देना, दोनों तरीके से अप्लाई करेंगे तभी प्रॉफिट मिलेगा। तो गाइस इस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।